और दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों हमने आपसे कहा था कि बाबा महाकालेश्वर पर हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, तो इससे पहले हम दो वीडियो आप लोगों के पास भेज चुके हैं, एक उज्जैन का इतिहास और दूसरा बाबा महाकालेश्वर के मंदिर पर हमने चर्चा किया था। और अब हम ले चलते हैं आपको वहाँ के अन्य मंदिर, जैसे आप लोग वहाँ जाते हैं तो ज्ञान नहीं हो पाता कि सारे मंदिर कहाँ हैं, तो आइए हम लोग इस मंदिर पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे वही पंडित जी आए हुए हैं, कमलेश्वर दीक्षित, जो हमारे संस्कृत के गुरुदेव भी हैं, और आप लोगों को अन्य मंदिर पर चर्चा करेंगे। तो आइए पंडित जी, आप शुरू करिए इस पर। बाबा भोलेनाथ की जय। माँ, यह बड़ा पवित्र सुंदर प्रयास आदरणीय श्री सुरेश जी ने प्रस्तुत किया। इस प्रयास के निर्वाहन की जो जिम्मेदारी मुझे दी है, सुनकर बड़ा गर्व हुआ। मैं इस विषय में अपना पूरा प्रयास आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। महातीर्थ महाकालेश्वर उज्जैन में केवल बाबा महाकालेश्वर का ही एक दर्शनीय स्थल नहीं है, और भी बहुत से मंदिर हैं। उन बहुत से अनेक मंदिरों में क्रमशः मैं प्रत्येक मंदिर के विषय में आपको चर्चा करता हूँ, एक एक मंदिर की महत्ता बताता हूँ। सबसे पहले क्रम आता है श्री गणेश जी का बड़ा मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर। गणेश जी के स्वरूप से परिचित हैं, मंदिर का यही स्वरूप वहाँ आपको प्राप्त होगा जो इस समय आप देख रहे हैं। इसकी महत्ता इस प्रकार है, इस मंदिर को बड़ा गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थापित गणेश जी की मूर्ति विश्व के अनेक ऊंचे से ऊंची मूर्तियाँ जो हैं उनमें से ये भी एक है, विशाल मूर्ति। ये मूर्ति सीमेंट से नहीं, आज की प्रथा में प्रचलन तो है कि सीमेंट से बनाए जाते हैं, लेकिन नहीं, गुड़ और मेथी के मसाले से मूर्ति बनी है, बड़ी विशेष बात है। यह मूर्ति महाकालेश्वर मंदिर के पास ही स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महर्षि गुरु महाराज सिद्धांत बागेश जी, पंडित नारायण व्यास जी ने करवाई। इस मूर्ति के निर्माण में मथुरा, द्वारका, अयोध्या, कांची, उज्जैन, काशी, हरिद्वार से लाई गई मिट्टी का भी उसमें समावेश है। भक्त बंधुओं, इस प्राचीनतम इस मंदिर में स्थापित गणेश जी की प्रतिमा 18 फीट ऊंची है और 10 फीट इस मूर्ति की चौड़ाई है। कितनी भव्य सुंदर यह दर्शनीय मूर्ति है। इस मूर्ति में भगवान गणेश जी की सूंड दक्षिणावर्ती है। दक्षिणावर्ती मूर्ति अपने आप में एक विशेष मूर्ति मानी जाती है, वही एक विशेष मूर्ति है। इस प्रतिमा के मस्तक पर विराजमान त्रिशूल और स्वास्तिक का चिन्ह बना है। दाहिनी ओर घूमी हुई सूंड में एक लड्डू भी दबा है, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, जाऊं कहां तज प्रभु चरण जाता। और गले में भी विराजमान। इसी प्रकार अगली जो महामूर्ति का मैं दर्शन करा रहा हूं आपको, हर सिद्धि देवी जी का मंदिर, ये भी मंदिर दर्शनीय है, उसी तीर्थ में है। कहीं बहुत भटकने या बहुत हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मंदिर का स्वरूप आपको मैं दिखा रहा हूं। वहाँ पर जानकारी करोगे इस मंदिर तक बड़ी आसानी से पहुँचाओगे, सब सरलतापूर्ण वहाँ पर साधन और मार्ग प्राप्त होते हैं। आइए मैं देवी इस मंदिर के विषय में आपको चर्चा सुनाता हूँ। रुद्र सरोवर के पास चार दीवारी से घिरा ये एक श्रेष्ठतम मंदिर है। माता सती के 52 शक्तिपीठों में 13वां शक्तिपीठ ये कहलाता है। राजा विक्रमादित्य स्वयं माता हर सिद्धि को गुजरात से लाकर शिप्रा नदी के तट पर राजघाट के समीप भैरव पर्वत पर इन्होंने स्थापित करवाया था। रुद्र सरोवर के पास, आगे बढ़ो, विक्रमादित्य की आराध्या भवानी माता यही थी। हर सिद्धि देवी मंदिर के पीछे भगवती अन्नपूर्णा माता का भी सुंदर मंदिर विराजमान है। अब आइए मैं आपको भगवती अन्नपूर्णा मंदिर की भी से भी परिचित कराता हूँ। माँ भगवती का स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत है। इन दो स्थानों के बाद जब तीसरे स्थान पर आप पहुँचेंगे, माता के मंदिर का दर्शन करेंगे, तो स्वरूप आपको इस प्रकार प्राप्त होगा। आते हैं माता रानी के चरणों में अपना मस्तक नवाते हैं। भक्तों, इनके विषय में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, मंदिर से पूर्व द्वार से लगा सप्त सागर सरोवर है। हर सिद्धि देवी मंदिर के पीछे अगस्तेश्वर बाबा का स्थान है।
आगे अगले मंदिर की बात आती है जिसका नाम है 24 खंभा मंदिर। इस 24 खंभा मंदिर तक आप पहुंचेंगे, प्रभु को प्रणाम करेंगे। आगे देखिए इनकी माता को जान लीजिए क्या है, उज्जैन का देवी महामाया और महालावा का मंदिर, जिसे 24 खंभे वाली माता के मंदिर से जाना जाता है। उज्जैन नगरी के प्राचीन द्वार पर विराजमान इन दो देवियों को नगर की सुरक्षा करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में स्थित राजा विक्रमादित्य की मूर्ति के अलावा 32 पुतलियों की मूर्ति को दर्शाया गया है। पौराणिक युग की परंपरा के अनुसार महाराज विक्रमादित्य महाअष्टमी के दिन प्रातःकाल आकर के पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर में ये एक विशेष बात है कि मदिरा का प्रसाद चढ़ाकर पूजन किया जाता है। ये अपनी उनकी कोई ऐसी विशेष व्यवस्था है जो परंपरागत रूप से चलती है। आगे हम आते हैं गोपाल मंदिर। इन्हीं मंदिरों के क्रम में बड़ा सुंदर एक गोपाल मंदिर है। गोपाल मंदिर के विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, वास्तव में जानने और देखने की आवश्यकता है। श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर का निर्माण सन 1909 में सिंधिया राजवंश की महारानी वायजाबाई सिंधिया ने करवाया। यह मंदिर उज्जैन के बड़ा बाजार चौक के बीच में स्थित है। ये एक प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से बहुत आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाती है, पहुँचा जा सकता है। अगले मंदिर की बात आती है गढ़काल का मंदिर। गढ़काल का मंदिर उसी परिसर क्षेत्र में स्थापित है, विराजमान है। प्रयास करने पर भक्त वहाँ पहुँचते हैं, मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रणाम करते आगे बढ़ते हैं। क्या क्या वहाँ प्राप्त होता है देखने और जानने योग बात है। यह मंदिर उज्जैन शहर में ही स्थित है। इन्हीं महाकाली की उपासना करके महाकवि कालिदास, जो संस्कृत साहित्य के विशेषतम कवि हैं, महाकवि बने थे। महाकवि कालिदास द्वारा रचित श्यामला दंडक महाकवि स्त्रोत्र का एक सुंदर रचना है। इस मंदिर के पास गणेश जी का प्राचीन मंदिर है। गणेश मंदिर के सामने हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है और पास में भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति है। कितनी सुंदर बात है, यहीं पर गौर भैरव जी का स्थान है। पास में सिप्रा नदी का घाट है, सिप्रा नदी का जल कलकल करके ध्वनि कर रहा है, स्थान बड़ा मनोरम सा और लगने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं महाराज भरतहरी की गुफा का मंदिर। महाराज भरतहरी ने या साधना की, तपस्या की, उस विशेष स्थान की भी अपनी कुछ विशेष विशेषताएं हैं जो आप सुनकर के बहुत प्रसन्न होंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मेरा प्रयास सफल होगा। कालका मंदिर के उत्तर में महाराज भरतहरी गुफा और भरतहरी जी की समाधि का स्थान स्थित है। आगे बढ़ते हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर, अभी काल के विषय में बताया था, दो अर्थ होते, दोनों अर्थ जुड़े हुए हैं बाबा के इस प्रभु के स्थान से। मैं इनके विषय में आपको विस्तार से कुछ सुना रहा हूँ। प्रिय भक्त बंधुओं, जानने की आवश्यकता है, जिज्ञासा बड़ी प्रबल होती है, जितना अधिक जानकारी हो जाए, चाहे जितनी जानकारी अधिक से अधिक हो जाए, फिर भी भक्तों के हृदय में यह लगता कुछ और प्राप्त हो। आइए बताते हैं। सिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ नामक बस्ती के समीप में बहुत ऊंचाई पर टीले पर काल भैरव जी का मंदिर स्थापित है। यहाँ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मेला लगता है, ये एक विशेष बात है। सिद्धबट सिप्रा नदी के दूसरे किनारे पर सिद्धवट है। बैसाख मास के महीने में यहाँ की यात्रा होती है, दर्शनीय स्थल है, भक्त जाते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। अंकपाद संदीपन आश्रम, संदीपन गुरु का नाम सुना, ये वही संदीपन गुरु हैं, इन्होंने आश्रम स्थापित किया था। भगवान कृष्ण, बलराम जी, उनके परम मित्र सुदामा जी को इन्हीं से ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए कितनी विशेष बात उनके साथ जुड़ी है। इसी आश्रम में श्री कृष्ण, बलराम तथा सुदामा ने संदीपन गुरु से विद्याभ्यास प्राप्त किया था। यहीं पर गोमती सरोवर नाम का एक विशेष कुंड है। यहीं पर श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं, नाम से परिचित हैं, स्वरूप देख करके सुदामा जी को पहचानेंगे, बड़ा एक भाव प्राप्त होगा। यहीं पर बल्लभाचार्य, परम श्रेष्ठ कृष्ण पंत के परम यशस्वी तेजस्वी, एक विशेष गुरुओं में जिनका नाम जाना जाता है, उनकी भी बैठक का स्थान इसी स्थान पर स्थापित है। विष्णु सागर,
पुरुषोत्तम सागर चित्रगुप्त जी का पुराना स्थान यहीं पर स्थापित है। यहाँ पर जनार्दन मंदिर भी एक है, वो भी देखने योग्य है। समीप में जाकर के हर भक्त को ये गौरव प्राप्त होता है। अब आइए मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर की अपनी अलग एक विशेषता है। भक्त जाकर के जब पहुँचते हैं तो वास्तव में अपने को इतना धन्य मानते हैं। इस मंदिर के साथ अपनी एक अलग विशेषता जुड़ी है, जरा विशेषता पर ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ। अंगपाद के समीप टीले पर मंगलनाथ का मंदिर है। पृथ्वी पुत्र मंगल ग्रह की उत्पत्ति यही मानी जाती है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी एक परम विशेष बात है और जानने योग्य बात है। और आगे हम बढ़ते हैं, वेदशाला। मंदिरों के क्रम में वेद और वेदों किससे संबंधित ज्ञान प्राप्त हो जिस स्थान पर, ऐसे परम पुनीत स्थान का नाम वेदशाला मंदिर। मंदिरों क्रम में जरा इसकी भी महत्ता को सुन लीजिए। भक्त जाते हैं, सादर प्रणाम करते, अपने को धन्य मानते, मैं उसका महत्व बताता हूँ। वेदशाला को यंत्र महल भी कहा जाता है, यंत्र महल। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भी विज्ञान छिपा है। जिज्ञासु भक्त जब गहन अध्ययन करते हैं तो अध्यात्म में विज्ञान को पाते हैं। ये बात यहीं पर, यहाँ पर भी प्राप्त होती है। ये शिप्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यह आकाशीय ग्रह नक्षत्रों की गति जानने का ये उत्तम यंत्र है। बड़ी विशेष बात है। इन विशेष बातों को जानकर हम सब अपने को धन्य मानते हैं। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है। आज मुझे परम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आदरणीय सुरेश जी ने ये जो मुझे गौरवपूर्ण दायित्व दिया, मैंने आपके सामने इस दायित्व के निर्वहन का पूरा प्रयास किया। आप अपने कमेंट में मुझे लिख करके जरूर ये बताएं कि अगले प्रयासों में मुझे किस प्रकार का और प्रोत्साहनपूर्ण आपके सामने प्रस्तुत करना होगा। जय बाबा भोलेनाथ।